वकीलों की हड़ताल के चलते आज दो महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। इन दोनों सुनवाइयों पर विराम लगेगा, यानी आज ये सुनवाई नहीं होगी। अब कल देखना होगा ये सुनवाई होती है तो उसका वक्त क्या होता है, कितने बजे वो सुनवाई शुरू होती है। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ शुरू है तो वो राजनीति शुरू है, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। लेकिन एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से उनकी नेता ने दिया है, क्या कहा है पहले जरा सुनिए। मैं यहाँ पर यह कहना चाहती हूँ अपने धर्म गुरुओं से कि हमारे धर्म गुरुओं को इस बात को समझना चाहिए और हमारे उलमाओं को भी इस बात को समझना चाहिए कि वाकई अगर ये बात साबित हो जाती है कि प्राचीन काल में वहां पर मंदिर था और किसी हमारे शासक ने बलपूर्वक उस मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई थी, तो ये बात तो हमारे मुस्लिम समाज को, हमारे उलमाओं को, हमारे धर्म गुरुओं को समझना चाहिए कि किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। इसीलिए अगर ये बात साबित होती है तो हमारा मुस्लिम समाज, हमारे धर्म गुरु, हमारे उलमा उस जमीन को, हिंदू पक्ष को वापस कर दें। मैं तो कह रहा हूँ कि भारत भूमि पे बनी हुई कोई भी इमारत भारत की है और भारत हिंदुओं का है और भारत मुसलमानों का है, भारत सिखों का भी है, भारत ईसाइयों का भी है, सब धर्म संभाव का भारत है। लेकिन अगर भारत के अंदर कुतुब मीनार बनी है, ताजमहल बना है और हिंदू जनमानस ऐसा मानता है कि भाई ताजमहल तेजो महल था, तो ताजमहल तो भारत सरकार के अधीन है, कुतुब मीनार भारत सरकार का है, तो मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। पर सुनवाई होनी थी, पहला मामला था नमाज का स्थान बदलने की याचिका, दूसरा मामला दीवार हटाने वाली मांग वाली याचिका थी। पहला मामला जो था वो सरकारी वकील ने इसकी मांग की थी और दूसरा तीन महिला वादी ने इसकी मांग की थी। फिलहाल जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि जो सुनवाई आज इन मुद्दों पर होनी थी उसे फिलहाल रोक दिया गया, टाला गया है आज के लिए, क्योंकि आज वकीलों ने हड़ताल का ऐलान किया है और उसी के तहत आज ये सुनवाई नहीं होगी। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है, चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है, साथ ही साथ कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, क्योंकि ये लगातार संभावना जताई जा रही थी, वहां पर जो पक्ष है वो किस तरीके से हिंदू पक्ष अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले ये पूरा मामला श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना के लिए शुरू हुआ, फिर उसके बाद शिवलिंग का उनके हिसाब से मिलना जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, उसके बाद इसको बड़े सबूत के तौर पर कहना, फिर वहां और सर्वे और गहन सर्वे की बात हिंदू पक्ष की तरफ से कहना, यानी अब वक्त हिंदू पक्ष के पास और मुस्लिम पक्ष के पास भी है इस पर और काम करने के लिए कि वो अपने पक्ष को कैसे मजबूत करें। यकीनन उन लोगों के पास इस बारे में पूरा वक्त तो है, लेकिन शिवलिंग मिलने के बाद जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है उसके बाद परिस्थितियां यहां पर काफी ज्यादा बदल गई हैं। जैसा कि समाजवादी पार्टी की नेता का बयान भी हम सुना रहे हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं जो इस बारे में दावा करते हैं कि वो मस्जिद, चूंकि हिंदू पक्ष ये कह रहे हैं सिर्फ टोपी पहना दिया गया है, यानी कि मस्जिद का केवल गुंबद लगा दिया गया है, जबकि अंदर अगर देखेंगे वहां पर तो उसकी आत्मा में मंदिर ही है। इस तरह के दावे हिंदू पक्ष की ओर से किए जा रहे हैं। दूर दूर से लोग यहां आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, उन लोगों से बातचीत करते हैं। कोर्ट से किस तरह की उम्मीदें कर रहे हैं आप लोग? हालांकि आज तो सुनवाई नहीं होगी, लेकिन क्या उम्मीद है? उम्मीद अपने पक्ष में है, शंकर जी के, शंकर जी के पक्ष में है। क्या पक्ष है शंकर जी के, क्या उम्मीद है, क्या पक्ष में आएगा? काशी विश्वास के पक्ष में आएगा, उन्हीं के पक्ष में आएगा लग रहा है ऐसा। बाबा का मंदिर है, बाबा आएंगे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे, हर हर महा। मस्जिद वाले लोग कहाँ जाएंगे फिर नमाज करने? जहाँ मोदी जी उनको जगह देंगे वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे जहाँ मोदी जी जगह देंगे। नहीं, मोदी जी नहीं, मतलब जहाँ उनका जगह है वो अपने जगह पर चले जाए, हमारा जगह छोड़। मस्जिद तो उन्हीं की है, वो लोग दावा कर रहे हैं। मस्जिद नहीं है, जो बाबा का मंदिर, बाबा का मंदिर है। क्या है प्रमाण बाबा का? बाबा का प्रणाम है, नंदी जी है, कुआं है, श्रृंगार गौरी है, गणेश जी है। पुराना मंदिर हम देखते हैं, अभी हाल पुराना मंदिर पुराना बना, उसको तोड़ करके उन्होंने गुम्बद बना दी ऊपर, पाल बना, यही बना रहे नहीं, झांसी झांसी उत्तर प्रदेश।